रात के लगभग 10:30-11 बज चुके हैं और यहाँ पे कंपाउंड से बाहर एक सांप आ गए हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, देखो ये जो सांप है, ये हाईली वेनमस ग्रेट स्नेक है। ये जो सांप होता है पूरा ऐसा ब्लैक कलर का होता है और उसके ऊपर व्हाइट बैंड होते हैं, तो उसके कारण समझ में आता है ये जहरीला सांप है। ये भारत देश का सबसे जहरीला सांप, ऐसा ही सांप को माना जाता है। कई लोग बोलते हैं कोबरा से भी 4 गुना ज़्यादा जहरीला सांप होता है ग्रेट स्नेक। और अभी केंचुली के ऊपर आया हुआ है तो इसके जो आंखें ब्लू कलर की हो गई पूरी, केंचुली छोड़ने के लिए आए, फिर भी इसका जो ग्लॉसी ब्लैक रंग है क्लियरली आपको दिखाई देता होगा। ये बहुत ही जहरीला सांप है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाला। बर्न द्यावर कोशिश करेंगे कम से कम टच करते हुए इस सांप को पकड़ने की। और एक अच्छी बात है, यहाँ पे होल वगैरह नहीं है और ये सांप आसानी से इसमें जाएगा। और दीवार के बाजू में है, देखो मैंने कम से कम टच करते हुए इस सांप को पकड़ लिए हैं। बिल्कुल भी टच नहीं किया। तू बघू नको का संपदा, आज जा आणले बाहेर। पहले हमने कोशिश की थी इसको विदाउट टच करके इसको करने की। तलाक क्यों? और इनका जो डॉग है बहुत ही खतरनाक है, इसने आज तक लगभग 10-15 सांप पकड़ के दिए। और पहले डॉग ने इसके ऊपर अच्छी से निगरानी की थी और ऐसा पूरा घर का राउंड मार के स्वामी ने पाठ होना आमच डॉग ला कहो। हाँ, स्वामी की कृपा, मनोमन की कृपा मना। नाही तर बाजूला ओढ आहे ना, मग ओढ्यामध्ये
इसको सक्सेसफुली पकड़ लिए। इसके जो दांत होते बहुत ही छोटे होते, अगर ये गलती से भी काट लेता तो समझ में भी नहीं आता ये सांप ने काट लिया। तो बहुत ही डेंजरस ऐसा सांप है। अभी हम इसको लेके छोड़ने के लिए फॉरेस्ट में जाएंगे और फॉरेस्ट में वापस से इसको नेचर में रिलीज कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।